वॉचिंग ब्राउन ब्यूटी एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज हम करने वाले हैं, प्राइमर पर रिव्यू एक्चुअली ये जो वीडियो है मैंने बहुत समय पहले शूट की थी दो महीने और इसका कुछ पोर्शन मुझसे मिस हो गया है सो so, जो डेमो है वो पुराना है और वो है पटी प्राइमर एल्फ का एल्फ बहुत ज्यादा अफोर्डेबल ब्रांड है आपको ऑलरेडी पता ही होगा एल्फ ने पिछले साल लॉन्च किया था पोर्स पटी प्राइमर दस्वान ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि उन्होंने इसके एडिशन में दो और प्रोडक्ट लॉन्च किए पटी प्राइमर ही बट लमिनेस फिनिश एंड मैट फिनिश मैंने जो खरीदा है वो है उनका original वन uh, मैंने ये क्यों लिया है क्योंकि ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन को पोरलेस कर देता है ताकि आपका जो फाउंडेशन का uh, फिनिश है बहुत ज़्यादा अच्छी आए और uh, मेरी स्किन पर प्रब्लम है पोर्स की और uh, मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यू देखे कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है उनकी स्किन पर और मुझे टेस्ट करना था बिकॉज uh, मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ इसके लिए क्योंकि मेरे पास लार्ज पोर्स है और मेरी स्किन में काफ़ी टेक्स्चर है इसलिए मैंने इसको लिया ये मुझे मिला रैक्सल से वैसे हमारे यहाँ पर एल्फ आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन वो कहीं पर भी खरीद सकते हैं और आप खरीद सकते हैं वॉलबार्ट में और शॉपर्स में भी है और एक्सल में भी है पर ये जो प्राइमर एक बहुत मुश्किल से मुझे मिला और इसको मैंने ट्राई किया मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेमो बाई जब अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना और जल्दी से आप डेमो देख लें और उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं ऑल राइट मेरे स्किन पे काफी स्कार्स हैं उसको चिंता मत करें उनको वैसे ही रहने दें क्योंकि आई डोंट केयर मैं उन पर काम तो कर रही हूँ पर जाते जाते जाएंगे थोड़ा समय लगेगा सो जो एल्फ का प्राइमर एल्फ एक uh, ऐसा ब्रांड है जो कि काफी अफोर्डेबल है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स और एल्फ की खासियत है कि वो क्रूल्टी फ्री है और एनिमल पे टेस्ट नहीं होता है दैट्स क्रिटी फ्री ओके और ये प्राइमर जो है पटी पोरलेस प्राइमर ये क्या क्लेम uh, करता है उस पर हम थोड़ी सी नजर मारेंगे उस पर लिखा है कि ये स्किन परफेक्टिंग पोरलेस पट्टी प्राइमर है जो कि इनफ्यूज है सकुलेंट टू हेल्प ग्रिप मेकअप फॉर ऑल दे वेयर एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम मॉइस्चराइजर लॉस द वेलवेटी टेक्स्चर ग्लाइड्स एफर्टलेसली ओवर द स्किन एंड स्मूदनिंग ओवर इम

तो मैंने अपने हैंड्स पे ले लिया है इसे थोड़ा सा आप इसे स्लाइड कर सकते हैं पर जो प्राइमर्स पोर्स को कवर करते हैं उनको मैं प्रेसिंग और डपिंग मोशन में लगाती हूँ ताकि वो अंदर तक पोर्स में चले जाए और एरिया को स्मूथ कर दें लाइक टेक्सचर को ख़त्म कर दें सो वैसे ही हम इसे ब्लेंड करेंगे मे बी यू गाइस थिंकिंग कि मैंने थोड़ी ज़्यादा अमाउंट ले ली पर येस मुझे ज़्यादा अमाउंट लेनी ही अच्छी लगती है एल्फ का माना है कि ये हर एक स्किन टाइप के लिए अच्छा है पर अगर आपकी स्किन ऑयली या पोर्स वाली है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और या मेरी स्किन यहाँ से काफी स्मूथ फील होनी शुरू हो गई है पर और स्किन ऐसे फील हो रही है की मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया है काफी हाइड्रेटिंग सो या हमारी प्रॉब्लमेटिक एरिया में हम इसे लगाएंगे स्पेशली और आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं कि सारा फेस ही कवर हो जाए थोड़ा सा सो so, जब मैं प्राइमर लगाती हूँ मेरे चेहरे पर मेरी कोशिश होती है कि उसको थोड़ा सा सेट होने दूंगी डायरेक्ट तो ही मैं एकदम से फाउंडेशन लगाना शुरू नहीं कर देती हूँ तो उसको मैं थर्टी फोर्टी सेकेंड का समय देती हूँ बैठने के लिए अपनी जगह पे और अब हम यूज करेंगे फाउंडेशन फाउंडेशन जो भी आपको अच्छा लगता है यूज करें मुझे कई सारे फाउंडेशन अच्छे लगते हैं यार मैं एक दिन सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊ मेरे फेवरेट फाउंडेशन की कई सारे आप जानना चाहते हैं मेरे फेवरेट फाउंडेशन इस पे हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे सो so, हम यूज करेंगे नर्स फाउंडेशन जो की है नेचुरल रेडियंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन सारी स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है ये क्योंकि इसकी फिनिश बहुत ही नेचुरल किस्म की है सो इस फाउंडेशन के दो पंप लेंगे निक्के निक्के डन और इसे लगाएंगे हमारे चेहरे और अब फाउंडेशन लगाने का जो मेथड होने वाला है वो भी डबिंग मोशन में होगा क्योंकि हम हमारे स्किन के टेक्सचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे सो so, जैसे मैं फाउंडेशन लगाती हूँ पहले सारा स्प्रेड कर लेते हैं डन ब्लेंड और यस yes, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि मैं मेरे फाउंडेशन को कैसे लगाती हूँ उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी है आप देख लें और अपने इन लार्ज पोर्स को कवर करने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं वो भी तो इस फाउंडेशन की कवरेज देखिए इतना पतला फाउंडेशन लगता है स्किन पे कि कुछ भी नहीं किया पर कवरेज इतनी अच्छी है दिस इज ऑल टाइम फेवरेट अगर आप कुछ ऐसा फाउंडेशन देख रहे हैं जो नेचुरल लगे और कवरेज भी अच्छी दे अम, मेरे जितने स्कार्स आई आइवेश आपकी स्किन पे ना हो पर अगर है तो देखिए कितना अच्छा कवर कर दिया मैं एक ही लेयर लगाती हूँ और जहाँ पे कमी लगती है वहाँ पे कंसीलर यूज कर लेते हैं पर ये जो वीडियो है फाउंडेशन के बारे में नहीं है तो मैं जल्दी से ब्लेंड करके आपको मिलती हूं कुछ ही देर में हाथ ज्यादा यूज करती हूँ मैं एम वेरी सॉरी ये बात तो so, आप माने या ना माने पर सच है कि अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन अपनी स्किन पे लगाते हैं, या प्राइमर यूज़ करके लगाते हैं तो बहुत है. है, समय तक रहता है रियली uh, you know, बनाता है सो really so, अगर आप प्राइमर यूज नहीं करते हैं तो ट्राई करें आपको अच्छा लगेगा आपको डिफरेंट लगेगा लाइक रियली डिफरेंट लगेगा अब मैं कंसीलर यूज करूंगी मेरे चेहरे पर थोड़ा सा मिलानी का कंसीलर है कंसील प्लस परफेक्ट शेड का नाम है 150, और इसे मेरे स्कार्स वाले एरिया में थोड़ा सा यूज करेंगे क्योंकि थोड़ी सी जरूरत है थोड़ा, है, so, थोड़ा हाईलाइट भी कर ली हूँ उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ निक्स का एच डी स्टूडियो फोटोजेनिक और सी डब्ल्यू फोर वैसे ये इनके बारे में नहीं है तो यदि डिस्कशन ज्यादा करके हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे काफ़ी आसान है यार इसको ब्लेंड करना आई इट नॉट माय फर्स्ट टाइम यूजिंग इट और जब कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी लगती है तो आपको डर लगता है कि यार वो बंद ना कर दें बेचना इससे पहले कि वो चीज़ें खत्म हो जाए क्योंकि पहले ही मुझे ये बहुत मुश्किल से मिला है और अफोर्डेबल होने की वजह से आप चाहते हैं कि आपके पास इनफ हो ब्लेंडिंग uh, के साथ मैं डन हूँ और फिनिशिंग uh, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है अब मैं मेकअप को सेट करूंगी सेट करने के लिए नन देन निक्स का नो फिल्टर यूज कर रही हूँ मैं ये मुझे फेस को सेट करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे फेस को केक ही नहीं बनाता है और भी काफी अच्छी चीजें हैं इसके बारे में इससे हाँ हमारे सारे फेस को सेट कर लेंगे और आई एम वेरी हैप्पी फिनिश ऑफ my फाउंडेशन ऑलरेडी एंड आई कैन सी द डिफरेंस मेरी स्किन flawless लग रही है अमेजिंग लग रही है और बहुत उमदा लग रही है थोड़ा सा मेरे फेस कुछ काइंड का कर लेंगे ऑलमोस्ट डन विथ माई फेस रूटीन मैं वापिस आती हूँ अपना आई मेकअप करके लिपस्टिक लगा के सो so देन हम डिस्कस करेंगे हमारे प्राइमर को फर्दर मोर मोर discussion, मोर discussion बिकॉज वी लव डिस्कशन Alright, दोस्तों सो पर्टी प्राइमर लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है बिकॉज ये वीडियो बहुत पुरानी है तो मैंने ऑलरेडी थर्टी प्लस टाइम इसको यूज़ कर लिया है और मुझे ये इसकी फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज ये अफोर्डेबल है और ये डूप है टाचा सिल्क कैनवस का जो कि फिफ्टी टू डॉलर्स का है ये उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है मैंने उसको ट्राई नहीं किया है पर उसका सैम्पल ट्राई किया है और ये काफ़ी अच्छा डूप है उस फाउंडे उस प्राइमर का सो so, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी अच्छे प्राइमर में इन्वेस्ट करें जो कि आपकी स्किन को फ्रॉलेस दिखा दो तो आप इसमें ज़रूर से इन्वेस्ट करें ये आपको बहुत अच्छा लगेगा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग गया कि आ, डर लग गया मुझे कि क्योंकि पहले ही मुझे मुझे बहुत मुश्किल से मिला है ये प्राइमर अगर दोबारा से नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगी सो so, या yeah, ये प्राइमर मस्ट ट्राई है अगर आपकी स्किन पे पोर्स हैं टेक्सचर है सो so, आप कंसीडर कर सकते हैं इसको खरीदना और right, आज मैंने ये प्राइमर नहीं पहना है एक्चुअली मुझे पहनना चाहिए था पर मैं कुछ और ट्राई कर रही थी तो मैंने आज नहीं पहना है पर जो ये पिक्चर्स मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ उसमें मैंने ये प्राइमर पहना है और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी फिनिश है के फाउंडेशन के इसको पहनने के बाद आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें कमेंट करें मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू ब्यूटीफुल यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग कैन डू एनी थ्रिकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन है